तो बंद बंगाल है और बम बंदूक और बवाल है। दरअसल भाटपाड़ा में टीएमसी के गुंडों ने जबरदस्त फायरिंग कर दी। बीजेपी नेता की कार पर यह फायरिंग की गई है। पुलिस टीएमसी के गुंडों का जहरीला कॉकटेल, ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है। बंगाल में नेता विपक्ष ने शुभेंदु अधिकारी, उनका बयान आया है, कह रहे हैं कि ये जो पुलिस और टीएमसी के गुंडों का कॉकटेल है, ये बीजेपी को डरा नहीं पाएगा। ये बयान शुभेंदु अधिकारी ने दिया है। भाटपाड़ा में बीजेपी नेता को निशाना बनाकर फायरिंग का मामला, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी भी सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं आज नेता विपक्ष बंगाल में। और वो कह रहे हैं कि भाटपाड़ा में जो टीएमसी के गुंडों ने फायरिंग कर दी है, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ये जो टीएमसी और बंगाल पुलिस, इनका जो जहरीला कॉकटेल है, ये बीजेपी को डरा नहीं पाएगा। और इस बीच आज दिन भर बंगाल में सुबह 6 बजे से जब बीजेपी ने बंद का आह्वान किया, उसके बाद से जो तस्वीरें दिखी हैं अलग अलग इलाकों से, वो आपके सामने हैं। इसमें कोलकाता, कूचबिहार, सोनारपुर, बीरभूम, नॉर्थ परगना, सिलीगुड़ी, हावड़ा, अलीपुरद्वार, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मतलब उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक हर तरफ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और किस तरीके का असर यहाँ पर इस बंद का रहा है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। कहीं पर आपको बिल्कुल सन्नाटा सा नजर आएगा, कहीं दुकानों के शटर बंद नजर आएंगे, कहीं पर आपको पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों को घसीटती हुई नजर आएगी, कहीं आपको टीएमसी वर्सेस बीजेपी जो कार्यकर्ता है वो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आएंगे। और साथ ही सोनारपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर रेलवे ट्रैक पर बीजेपी का झंडा लहराते हुए पार्टी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जो रेल रोकते हुए नजर आए इस बंद के दौरान। आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले जो बीजेपी के बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजुमदार, उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी का ये बंद आज सफल रहा। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि इस बंद को बंगाल के आम लोगों ने सफल बनाया है, इसीलिए बंगाल के लोगों का उन्होंने धन्यवाद भी दिया। और इस बंद की वजह से जिन लोगों को दिक्कत आई है, उनसे माफी भी सुकांत मजुमदार ने मांगी है। हालांकि कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से कटघरे में टीएमसी को, कटघरे में कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस को खड़ा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि जानबूझकर इस बंद को असफल दिखाने की कोशिश टीएमसी की तरफ से और बंगाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। और ये जो तस्वीरें हैं वो कोलकाता श्याम बाजार इलाका, जहां जूनियर डॉक्टर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कोलकाता के निर्भया के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं ये जूनियर डॉक्टर्स। और साथ ही इन डॉक्टर्स की तरफ से मांग जो है वो अपने लिए सुरक्षा की जा रही है। खुद को सुरक्षित अस्पतालों में ये डॉक्टर महसूस नहीं करते, अपनी इसी सुरक्षा की मांग को लेकर आज कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स भी सड़क पर उतरे हुए हैं। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दो। न्याय चाहिए के नारे लगाते हुए यहां पर जूनियर डॉक्टर्स को आप सुन रहे थे। कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं कोलकाता की निर्भया के लिए, और अपनी सुरक्षा को लेकर भी सड़क पर उतरने को मजबूर ये रेजिडेंट डॉक्टर्स। इसी बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं।